कटवारे मामले में कश्मीर में कल कई जगह हिंसक प्रदर्शन हुए। कश्मीर के गांधरबल में डिग्री कॉलेज के छात्रों ने अपनी क्लासेस को बायकॉट किया और कठुआरेप और हत्या मामले में सड़क पर उतर आए। कुछ ही देर में प्रदर्शन हिंसा में तब्दील हो गया। छात्रों की पुलिस से झड़प हुई, छात्रों ने पत्थरबाजी भी की, पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। कुछ ही देर में प्रदर्शन की खबरें कश्मीर के अलग अलग इलाकों से मिलने लगी। कुपवाड़ा में भी स्कूल और कॉलेज के छात्रों ने प्रदर्शन किया। स्कूल के छात्रों ने सुरक्षा बलों पर पत्थर भी फेंके, सड़क पर फल और सब्जियों के ठेलों को भी पलट दिया। दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग में भी स्कूल छात्रों ने एक रैली निकाली, लेकिन वो प्रदर्शन भी हिंसक हो गया। छात्रों ने यहाँ भी सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंके, जिसके जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। कई छात्र छात्राएं जख्मी भी हुए हैं। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शन और रैली के लिए इजाजत दी गई थी, लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसकी वजह से माहौल खराब हुआ। एक तरफ जम्मू कश्मीर में कठुआ रेप को लेकर हिंसक प्रदर्शन हुए, तो दूसरी तरफ कल जम्मू में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और सीएम महबूबा मुफ्ती के भी बयान सामने आए। कठुआ में 8 साल की बच्ची से गैंगरेप पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि बेटियों से बर्बरता रोकना सबकी जिम्मेदारी है। वैष्णो देवी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि कठुआ गैंगरेप पूरे देश को शर्मसार करने वाली घटना है। हम सभी को सोचना होगा कि हम कहां जा रहे हैं। हम सभी की ये जिम्मेदारी बनती है कि देश के किसी भी भाग से किसी भी बेटी या बहन के साथ ऐसा ना हो। जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती ने भी कहा कि समाज में जरूर कुछ गलत है। The recent happenings against weaker and underprivileged, especially the females, are alarming and have shaken us as a society. कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने वाली बेटियों का खास तौर पर जिक्र किया। राष्ट्रपति बनने के बाद कोविंद का यह पहला जम्मू कश्मीर दौरा है। बच्चियों से रेप की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बच्ची से एक और रेप का मामला सामने आया है। 19 साल के एक नौजवान पर आरोप है कि उसने 10 साल की बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर रेप किया। वारदात के वक्त बच्ची अपने घर में अकेली थी। उसके माँ बाप काम करने घर से बाहर गए थे। बच्ची के माता पिता जब घर लौटे तो देखा कि बच्ची को ब्लीडिंग हो रही है। पुलिस को तुरंत सूचना दी गई। पुलिस ने बिना देर किए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी भोला गोस्वामी उर्फ रामू, जो कि वहीं चुलघट का निवासी है, 19 वर्षीय है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और जुडिशियल रिमांड में भेजा जा रहा है। बच्ची का अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है।